बंधुगण, ईश्वरंकर सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनीष अनेक समय रे निजर श्रेष्ठत्व प्रतिपादित करी पारे ना। तार कारण होची तार अज्ञानता। एई अज्ञानता होची तार निजर परिचय विषय रे। एई अज्ञानता होची तार निजर श्रेष्ठत्व विषय रे। एई अज्ञानता होची जीवन को किभली सार्थक करिवा को हुए, आनंदमय उपभोग्य करिवा को हुए, तार कौशल विषय रे आज अध्याय रे आमे आलोचना करिबा। मनीषर परिचय कौन? प्रथमे मु आपण मानको गोटे कहानी सुनाउछि। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देवंक पाखकु थरे आसीथिले जणे धनी व्यवसायी। से श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देवंक पचारिले, आज्ञा आपण कौन माँ कालींकु देखिछंती? माँ कालींक सह कथा हेइछंती? रामकृष्ण देव स्मित हास्य करी कहिले, हाँ अनेक बार देखी, अनेक बार तांको सांगरे कथा हेची, जेमिति तुमको देखुची तुम सांगरे कथा होची, ठीक सही भली। व्यवसायी जनक रामकृष्ण देवंको कहिले, आज्ञा माँ काली जेतेबेले आउ थरे आपणंक पाखकु आसिबे, सेतेबेले आपण कोन तांको टिके दयाकरी कहिबे मते टिके दर्शन दबा पई? रामकृष्ण देव कहिले, हाँ निश्चय, तुमे तुमर ठिकणाटा मते देइ जाओ, पुणी जेबे माँ काली आसिबे मु तांकु कहिबे तुम पाखकु जाई तुमको दर्शन देबे। व्यवसायीटी गोटे कागजरे किछि लेखी रामकृष्ण देवंक हातकु बढ़ई देले। श्री श्री रामकृष्ण देव से लेखाटीकु देखि कहिले, अरे ये कौन? ये तो तुम घरर ठिकणा, तुमर ठिकणा कौन? व्यवसायी जनक कौन भाविले कि जाने, पुणी आउ थरे कागजटे नै आउ किछि लेखी पुणी श्री रामकृष्ण देवंक हातकु बढ़ई देले। रामकृष्ण देव कागजटिकु देखि कहिले, अरे ये तो तुमर व्यवसायर ठिकणा, तुमर ठिकणा कौन? व्यवसायीटी निरुत्तर थिले, नीरव थिले। श्री श्री रामकृष्ण देव मुरुकी हसी कहिले, तुम्हें खोज, तुम ठिकणा को खोज, तुम्हें जो दिन तुम ठिकणा पाइब से दिन माँ काली निश्चय तुमको आसी दर्शन देवे, से संदेह ना। आपण कौन आपणकर ठिकणा जानी? मु कौन मोर ठिकणा जानी? केमिति जानिबा आमर एई ठिकणा को? चलंतु आउ गोटे कहानी शुणिबा। थरे जणे व्यक्ति तीर्थ यात्रा रे बाहरिले। अनेक मंदिर मठ तीर्थस्थान भ्रमण करी शेषे जणे साधुंकर आश्रम रे पहुंचिले। सेठी पहुंची साधुंकर निराडंबर जीवन जापन देखि खूब आश्चर्य हेले। साधु जनक जो प्रकोष्ठ रे रहुथिले सेठी तांकर सोइबापाई खट खंडे नथिला, तले गोटे सपरे सोउथिले, बसिबापाई चेयर खंडे नथिला, घरे टेबुल टे नथिला। व्यक्ति जनक खूब आश्चर्य हेले। से साधु को पचारिले, साधुजी आपणकर फर्नीचर काई, केउठी आपणकर आसवासपत्र? साधु जनक टिके हसी दे कहिले, भाई तमर फर्नीचर काई, केउठी तुमर आसवासपत्र? व्यक्ति जनक कहिले, साधु महाराज मु तो जने यात्री, मु कोन सांगरे फर्नीचर नै घुरी बुलिबी? साधु जनक पुणी टिके हसी देले, तापरे कहिले, अरे भाई तमे जदि जने यात्री ताहेले मु भी आउ कौन कि, मु भी तो जने यात्री, गोटे अनंत जीवन रो यात्रा रे मु बाहरिछि, मु भी आउ कौन सांगरे फर्नीचर धरी बुलिबी? साधुंकर ई छोटिया प्रश्नटी भितरे थिला मनीष जीवन गूढ़ रहस्य। तारि भितरे लुकायित होता मनीषर आत्मपरिचय। मनीषर परिचय होउछि से गोटे अनंत जीवन यात्री। आमे माने समस्ते गोटे गोटे यात्री मुसाफिर, ताहि होउछि आम मानकर परिचय, आउ किछि नहे। चालंतु आउ गोटे घटना शुणिबा। दिने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंक पाखकु जणे तांकर भक्त आसी पचारिले, ठाकुर परमात्मा एवं जीवात्मा भितरे प्रभेद कौन? श्री श्री ठाकुर तांकु कहिले, तुम्हें समुद्र देखिछ? व्यक्ति जनक कहिले, हाँ ठाकुर अनेक बार देखिछि। श्री श्री ठाकुर कहिले, एई समुद्र होउछि परमात्मा, आउ एई समुद्र उपरे जो ढेउ उठे एई ढेउ हेला जीवात्मा। ढेउ बाहरे समुद्र रु, समुद्र हेला तार उच्छ,
ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ସେ ଉପରକୁ ଉଠେ, ପୁଣି ମିଶିଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ହେଲା ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ। ସମୁଦ୍ର ତାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜୀବାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ପରମାତ୍ମା ତାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ତାର ଏଇ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଏଇ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାର ଗନ୍ତବ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ତିନୋଟି କାହାଣୀ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି ମଣିଷର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ, ମଣିଷର ଠିକଣା, ମଣିଷର ଉତ୍ସ, ମଣିଷର ଗନ୍ତବ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେମିତି ପଥିକଟିଏ, ଯାତ୍ରୀଟିଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ, ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ପୁଣି ଫେରିଆସେ ଘରକୁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଥିକଟିଏ। ସେହି ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସେହି ଉତ୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏକ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଣି ଫେରିଆସିବା ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ପଥିକଟିଏ ଯଦି ମାନସିକ କାରଣରୁ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସେ, ଭୁଲିଯାଏ ତାର ଠିକଣା, ସେ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିବା ତା ପାଇଁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ।